मेरे चैनल टेक्नोलॉजी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो में डायफ्राम वॉल को कैसे डिफाइन और असाइन किया जाता है वो मैं आपको आज सिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले डायफ्राम को असाइन करने से पहले हम डायफ्राम का मीनिंग जान लेते हैं। तो 1893 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, ये देखिए 1893 में उसकी डेफिनेशन दी हुई है, वो हम पढ़ लेते हैं। डायफ्राम वॉल की डेफिनेशन है, इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल और नियरली हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल सिस्टम विच ट्रांसमिट्स लेटरल फोर्सेस टू वर्टिकल एलिमेंट दैट रेजिस्ट अर्थक्वेक इंक्लूडिंग इनर्शिया फोर्सेस। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर सिस्टम है, मान लो हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर सिस्टम मतलब कि फ्लोर है, हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग सिस्टम है, वो सारे अच्छी तरह से, जो हमारे वर्टिकल एलिमेंट है, मान लो वर्टिकल एलिमेंट जैसे कॉलम और वॉल है, वो अच्छी तरह से लोड ट्रांसमिट कर सके, मतलब कि स्लैब का वो सारे लोड आते हैं वो अच्छी तरह से वर्टिकल एलिमेंट में ट्रांसमिट हो, इसलिए हम डायफ्राम देते हैं। ठीक है, डायफ्राम का मीनिंग हम जान लेते हैं, अभी कैसे डिफाइन और असाइन करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम डिफाइन में जाना है और यहाँ पे डायफ्राम, ये देखिए डायफ्राम लिखा हुआ है और यहाँ पे ऐड कर देना है, उसका शॉर्टकट भी हमें ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, शॉर्टकट भी असाइन डायफ्राम। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे मॉडिफाइड में जाके डायफ्राम ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड डायफ्राम, यहाँ पे डायफ्राम ऐड करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, रिजिड और सेमी रिजिड। तो सेमी रिजिड जनरली फ्लैट स्लैब होते हैं, हमें मेम्ब्रेन की जगह सेल्फिंग देते हैं स्लैब में, तभी हम सेमी रिजिड देते हैं, हमें यहाँ पे रिजिड रखना है। ओके, यहाँ पे D1 दिया हुआ इसलिए नहीं आ रहा। ठीक है, D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 जितनी भी हमारी स्टोरीज है उतने हमें डायफ्राम बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे D10 तक हम बना देते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखिए डायफ्राम की लिस्ट आ गई, अभी हमें डायफ्राम कैसे असाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो हमें जो डेफिनेशन पड़ी थी उसमें सांप लिखा हुआ था कि जो हमारे डायफ्राम है वो अभी हमें फ्लोर पे देना है, तो हमें ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ये ऑप्शन सिखाया था, तो हमें फ्लोर ही सिलेक्ट रखना है, बाकी सारे ऑप्शन को हमें क्लोज कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सारे देखिए हमें सिर्फ फ्लोर भी, यहाँ पे जब स्टेयर होती है, स्टेयर आप यहाँ पे मॉडल करते हो तो स्टेयर को भी हम यहाँ से निकाल देना है। यहाँ पे अभी D1 यहाँ पे फर्स्ट पे हम देते जाते हैं, यहाँ पे फर्स्ट है, सारे फ्लोर को सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पे D1 लिखा हुआ है, यहाँ पे अप्लाई, ये देखिए यहाँ पे डायफ्राम असाइन हो चुका है, D1 वैसे सिलेक्ट करना, और यहाँ पे D2 पर जाइए, यहाँ पे D3 यहाँ पे जाइए, और यहाँ पे D4 D5 D6 सारे फ्लोर में अलग अलग ही डायफ्राम देने हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अभी मान लो ऊपर जाके दो बिल्डिंग अलग हो रहे हैं, एक ही स्टोरी में फिर भी हमें अलग अलग डायफ्राम देना है, क्योंकि इसका डायफ्राम सेंटर इधर आएगा और इसका इधर आएगा, इसलिए यहाँ पे D8 और यहाँ पे D9 इसका हमें एक ही डायफ्राम आप मान लो देते हो तो यहाँ पे उसका डायफ्राम का पॉइंट इधर आएगा, इसलिए हमें अलग अलग डायफ्राम ही इधर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायफ्राम हमें दे दिया है, अभी डायफ्राम को हम यहाँ से देख भी सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे डायफ्राम अप्लाई करेंगे तो डायफ्राम देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और सिखाऊंगा। ठीक है, तो